क्वेश्चन है कि मान लो एक सिलेंड्रिकल ड्रम है, एक ड्रम है, ये जो ड्रम है ये रोटेट कर रहा है विद ओमेगा। ये लो, ये ओमेगा के साथ इसकी रोटेशन है और इस ड्रम को रोटेट करने के लिए मोटर लगी हुई है जिसको घुमाई जा रही है। तुम चाहो तो मोटर की स्पीड बढ़ा सकते हो, ड्रम को तेज़ घुमा सकते हो, चाहो तो और तेज़ घुमा सकते हो, तुम्हारे हाथ में, तुम जितना चाहो उतना घुमाओ। यहाँ पे लेट अस सपोज एक ये फ्लोर है और ये दीवार है, इसकी वॉल है ड्रम की, जो फ्रिक्शन है इसमें म्यू, फ्रिक्शन है म्यू, तो इस वॉल में फ्रिक्शन है, ड्रम में फ्रिक्शन है। सपोज एक मैन जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये रहा, पहले हो सकता है यहाँ पे खड़ा था पर जब ड्रम ने घूमना शुरू किया तो ये यहाँ आपको मिलेगा नहीं, फ्लोर में कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्लोर में कोई फ्रिक्शन नहीं। आप बस मुझे ये बताएं कि अगर ये रूम रूम नहीं है, ड्रम है, और मान लो मैं यहाँ खड़ा था, तुमने ड्रम तेजी से घुमा दिया, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहीं दिखूंगा, वॉल्स के पास दिखूंगा? तुमने कभी मिक्सी घूमती देखी है? देखी होगी, जब मिक्सी में कोई चीज़ घूमती है तो वॉल्स पे चिपकती जाती है, देखते हो, सेंटर पे नहीं जाती, हर चीज़ वॉल्स के थ्रू शीशे पे चिपकती जाती है। और तुम्हारा अगर ढक्कन खुला रह गया फिर तुम्हें पता लगेगा कि कितनी बाहर की तरफ आएगी चीज़। ऐसे ही है, अगर टेस्ट करना है घर जाके कोई मैंगो शेक बना लेना और कहना ढक्कन खोल के बनाएंगे, आपको तब पता लगेगा कि सेंट्रीफ्यूगल कैसे लगती है। ठीक है, मुंह पे आके गिरेगी, जो भी सामान गिरेगा फिर आपको फील आएगा कि तुमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सीखी। ठीक, अब देखो हो क्या रहा है इसमें, ये मैन खड़ा हुआ है, जब ये ड्रम तेज घूम रहा है तो इस ड्रम के पास अपनी एक एक्सेलरेशन है जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है, आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, ड्रम के पास सेंट्रिपिटल है, क्योंकि तुम बाहर से ड्रम को देख रहे हो और ड्रम घूम रहे, ड्रम घूम रहे तो सेंट्रिपिटल फोर्स तो होगी ही होगी, मोटर ने प्रोवाइड की बात खत्म हो गई, तो सेंट्रिपिटल फोर्स है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी है। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, अब ये जो मैन है इसको तो मोटर के साथ कोई लेना देना नहीं ना, जैसे ट्रेन है, ट्रेन के अंदर इंजन है, ट्रेन का इंजन उसे फोर्स प्रोवाइड करता है और एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, वो ट्रेन को करता है, अंदर पड़े सामान को नहीं करता, क्योंकि सामान जो है अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है उसके ऊपर क्या लगती है, सूडो फोर्स, और वो पीछे की तरफ जाता है। बिल्कुल वैसी मोटर जो है वो एक्सेलरेशन ड्रम को प्रोवाइड कर रहा है, अंदर मैन है, मैन के ऊपर क्या लगेगी, सूडो फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर। और अगर मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं सूडो फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर, इसका मतलब मैं कहां खड़े होकर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, ड्रम के अंदर, ड्रम के अंदर, ताकि मैं फील कर सकूं कि मेरे को बाहर उठा के फेंका जा रहा है। तो इसके ऊपर सूडो फोर्स लगेगी बाहर, एम, इसका मास एम है, इनटू आर ओमेगा स्क्वायर, ये चीज सेम है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो सूडो फोर्स में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में सेम ही लगानी होती है जो सेंट्रीपेटल होती है। तो इस मैन पे फोर्स बाहर की तरफ लगेगी और अब तुम थोड़ी देर में देखोगे ये मैन ड्रम की सरफेस पे चिपका हुआ मिलेगा आपको। तुम भी अगर ऐसे खड़े हो, तुम भी ऐसे ही खड़े हो और फ्रिक्शन नहीं है और ड्रम घूम गया, तुम सब यहाँ बैठ नहीं सकते, मतलब खड़ नहीं सकते, तो क्या होगा, आप सब दीवार की तरफ चिपके मिलोगे। सही है यहाँ तक? तो दीवार की तरफ चिपक गया, मीन्स फोर्स लग रही है, तो दीवार इसके ऊपर क्या लगाएगी, नॉर्मल रिएक्शन। अब एक नॉर्मल रिएक्शन फ्लोर भी तो लगाएगा। क्वेश्चन ये है कि आप इसका फ्लोर हटा दो, फ्लोर हटा दो, खाली है, हटाओ इसे फ्लोर को, हवा नीचे खाली, बहुत ऊपर घूम रहा है ड्रम, गिर भी सकता है वो। आप बताओ ड्रम की मिनिमम स्पीड क्या होगी घूमने की, कम से कम, कि ये मैन नीचे ना गिरे, नहीं तो ड्रम से होता होता नीचे गिर जाएगा कहीं, घूमता रहे, ऐसे घूमता रहे, चिपके घूमता रहे, ये क्वेश्चन है। तुम कहोगे बहुत तेज घुमा दो, मिक्सी से भी तेज घुमा दो, बहुत मोटर से भी तेज घुमा दो, फिर तो ना भी हो, वो तो आंसर है ही है ना, फिर तो नीचे गिरेगा ही नहीं। मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा ओमेगा नहीं बताना आपको, वो तो कितना भी बोल दोगे, मुझे कम से कम बताना है कि अगर तुमने उससे कम अगर ओमेगा किया तो समझो मैन नीचे किया। तो अगर फ्लोर नहीं है, फ्लोर हटा दिया, तो लिख लेना यहाँ पर फ्लोर हटा दिया, तो कौन इससे नीचे गिरने वाला है मैन को, इसका वेट। तो लो इसका वेट क्या है, एम जी, और कौन बचाने वाला है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ। बनाओ
और अगर आप चाहते हैं कि मैन नीचे ना गिरे, मैन किस पे रहे? एट रेस्ट। तो ऐसे केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेट एम जी। सही है। तो फ्रिक्शन इक्वल टू हो या बड़ी हो और भी अच्छी बात है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक नहीं है, रगड़ नहीं खा रहा मैन, वहीं रुका हुआ है, रेस्ट पे घूम रहे हैं। तो फोर्स ऑफ जो फ्रिक्शन है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती क्या है? म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी। और नॉर्मल रिएक्शन इस केस में है कितना? एम आर ओमेगा का स्क्वायर। देख रहे हो फिगर में, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम से एम कैंसल। तो यहाँ से सॉल्व करके ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई म्यू टाइम्स आर। तो ओमेगा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाई म्यू टाइम्स आर। तो ओमेगा की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? इक्वल टू जी म्यू टाइम्स आर। आंसर। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन को कैसे सोचना है इसमें, कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर बड़ी होगी वेट से तो ये मैन नीचे नहीं गिरेगा, और इसमें नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाएगा? एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो ये मिनिमम कैसे होगा ये समझ में आ रहा है, क्योंकि ओमेगा इसके इक्वल या इससे बड़ा होने वाला है, तो कम से कम कितना होगा? इसके इक्वल होगा। तो इक्वल टू लगाओगे तो ये टर्म ऑटोमेटिकली मिनिमम हो जाएगी। तो ये ऑप्शन आपने मार्क करना है अगर पेपर में आए तो।